आप देख रहे हैं News 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का News 21 में। आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारो राजस्थान। सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। चिकित्सा शिक्षा सचिव ने किया महिला चिकित्सालय का निरीक्षण, सांगनेरी गेट अस्पताल में व्यवस्थाओं का लिया जायजा। केकड़ी जिला कलेक्टर की सरलता ने जीता दिल, खिलाड़ियों के साथ पंगत में बैठकर जीमा भोजन। मजदूर की मौत से गुस्साए ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, देवगढ़ फैक्ट्री में मजदूर की मौत के बाद मचा बवाल। सदस्यता अभियान को लेकर चित्तौड़गढ़ में हुई बैठक, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या ने दिया दिशा निर्देश। अब खबरें विस्तार से। चिकित्सा शिक्षा सचिव अमरीश कुमार ने जयपुर के सांगनेरी गेट स्थित महिला चिकित्सालय में स्वास्थ्य सुविधाओं का निरीक्षण किया। इस दौरान चिकित्सा शिक्षा सचिव ने महिला अस्पताल में सफाई व्यवस्था को और दुरुस्त करने और साथ ही साथ प्रबंधन को और भी अधिक सही करने के निर्देश दिए। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। केकड़ी में 4 अक्टूबर से 17 व 19 साल आयु वर्ग की स्कूली छात्राओं की राज्य स्तरीय सॉफ्टबॉल प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा है, जिसमें प्रदेश के सभी 50 जिलों से टीमें शामिल हैं। इस दौरान सामूहिक भोज में जिला कलेक्टर की सरलता ने सबका दिल जीत लिया। रेड क्रॉस सोसाइटी व भामाशाओं द्वारा निःशुल्क सामूहिक भोजन की व्यवस्था के दौरान जिला कलेक्टर श्वेता चौहान ने यहां पर पहुंचकर छात्राओं के साथ पंगत में नीचे बैठकर भोजन किया। उनकी इस सरलता ने न केवल छात्राओं बल्कि 4 दिन से लगातार इस व्यवस्था में लगे स्वयं सेवकों को भी रोमांचित कर दिया। कलेक्टर के इस आत्मीय और स्नेहिल व्यवहार ने खिलाड़ियों के जहन में एक अलग ही छाप छोड़ दी। लोगों ने कहा कि इस वाक्य में ये सिर्फ खेल ही नहीं है बल्कि सेवा के सम्मान का भी संदेश देता है। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। राजसमंद जिले के देवगढ़ थाना क्षेत्र में मौजूद अरविंद मिनरल्स फैक्ट्री में मजदूर की मौत ने बवाल खड़ा कर दिया है। आपको बता दें कि मजदूर प्रभु सिंह की मौत ने इलाके में सनसनी फैला दी और हादसे के बाद पीपली नगर के ग्रामीण आक्रोशित हो गए और फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन किया। लोगों ने सुबह से ही फैक्ट्री के बाहर प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि प्रभु सिंह की मौत फैक्ट्री में लापरवाही के कारण हुई है। उन्हें इस हादसे में हुए नुकसान की भरपाई के लिए उचित मुआवजा मिलना जरूर चाहिए। लंबे प्रदर्शन के बाद फैक्ट्री मालिक ने मृतक के परिवार को 6 लाख रुपए का मुआवजा देने पर सहमति व्यक्त की। मुआवजे की घोषणा के बाद प्रदर्शनकारी शांत हुए। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ विधानसभा क्षेत्र में बीजेपी के सदस्यता अभियान को आवश्यक गति प्रदान करने के उद्देश्य से भाजपा पदाधिकारियों की बैठक विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की अध्यक्षता में विधायक कार्यालय में आयोजित हुई। बीजेपी पदाधिकारी अनिल इनानी ने बताया कि चित्तौड़गढ़ में सदस्यता अभियान की गति तेज की जाएगी। बीजेपी के पूर्व महामंत्री ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि मंडल स्तर पर लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिन्हें जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ की स्थिति बहुत जल्दी अच्छी हो जाएगी। केंद्रीय नेतृत्व के योजना के अनुसार परसों हमारे विधायक साहब को माननीय मुख्यमंत्री जी एवं प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा निर्देश प्राप्त हुए कि आपकी विधानसभा के अंदर सक्रिय भागीदारी निभाकर सदस्यता अभियान को शीघ्र पूरा कराएं। जो भी पार्टी ने लक्ष्य निर्धारित किए हैं उन तक पहुंचने के लिए सभी कार्यकर्ताओं को प्रेरित करें। इसके तहत कल सुबह हमारे कार्यालय पर हमारे विधानसभा क्षेत्र के जितने भी हमारे पदाधिकारी हैं, सरपंच हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनके साथ बैठक हुई। बैठक करके सभी कार्यकर्ताओं को निर्देशित किया विधायक साहब ने कि शीघ्र ही जो हमें कार्य प्रदेश नेतृत्व ने और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने सौंपा है उस कार्य को प्रगति देकर जितना जल्दी से जल्दी हो सके हमारा जो लक्ष्य निर्धारित किया गया उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मंडल स्तर पर, बूथ स्तर पर, शक्ति केंद्र स्तर पर शीघ्र हमारी बैठकें आयोजित होने जा रही है और बैठक आयोजित करके और शीघ्र इस काम को पूरा करने का प्रयास करेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि जो हमारी टीम है, जो हमें लक्ष्य दिया गया है उसको प्राप्त करने में हमें कोई कठिनाई नहीं। इसके तय किया जाता है हमारे विधानसभा के 6 मंडल हैं, 6 मंडल की बैठक आज और कल में कंप्लीट हो जाएगी। और इसके अलावा जो हमारा सोशल मीडिया, जो हमारा एक बहुत बड़ा आज की तारीख में जुड़ने का तरीका है, उस पर हमने कल से हमारा अभियान चालू कर दिया। और मैं मानता हूँ कि जहाँ तक मेरी जानकारी है लगभग 2000 से 3000 मेंबर कल की डेट में अभी तक हमारे पार्टी के जो जितने भी हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं उन सभी ने अपनी मेहनत करके और 2000 से 3000 के बीच में तो मेंबर 24 घंटे के अंदर ही उन्होंने जोड़ दिए। तो 15 तारीख तक का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति करने में
हम पूरा भरसक प्रयास करेंगे, पूरी टीम लगेगी, नीचे के बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता लग के घर घर जाकर इस अभियान को सफल बनाएंगे। सर, वर्तमान में चित्तौड़गढ़ के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता अभियान चल रहा है, लेकिन अभी ज्ञात सूत्रों से पता चला और प्रदेश नेतृत्व से जो संदेश मिला है उससे स्पष्ट हुआ कि सदस्यता अभियान थोड़ा धीमा है। उसके तहत हमारे चित्तौड़गढ़ के लोकप्रिय विधायक श्रीमान चंद्रवान सिंह जी आज्ञा दूरभाष पर प्रदेशाध्यक्ष जी मुख्यमंत्री महोदय से बातचीत हुई। बातचीत के बाद हमारे आदरणीय विधायक महोदय ने कल सभी विधानसभा के सभी मंडलों की कोर कमेटी के सभी पूर्व मंडल अध्यक्षों के महामंत्रियों के और जो प्रमुख कार्यकर्ता है उनके सबकी बैठक ली और बैठक के दौरान अब हम सभी लोग मंडलों की बैठकें आज सभी के अलग अलग दिनों में दो तीन दिन के अंदर सभी मंडलों की बैठक डिसाइड होगी और उन बैठकों के अंदर हम पन्ना प्रमुख से लेकर बूथ स्तर तक धरातल पर आम मतदाताओं को हम जो पूर्व में जो पहले भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्य थे जिन्होंने प्राथमिक सदस्यता ले रखी थी उनको पुनः हम बनाएंगे। उसके साथ साथ जो युवा मतलब जो युवा नए नव मतदाता जुड़े थे उनको भी हम प्राथमिक सदस्यता दिलाएंगे। इस समय हमारी बैठकें चल रही है और निश्चित रूप से वापस आज जो शाम को हमारी चित्तौड़गढ़ नगर शहर की जो बैठक है उसमें हम प्रत्येक कार्यकर्ता को जिसको सक्रिय सदस्य बनना है जिनको भविष्य में दायित्व मिलने जा रहे हैं वो दायित्व उन्हीं कार्यकर्ताओं को मिलेंगे जिनको सक्रिय सदस्य के लिए 50% प्राथमिकता दिलाएंगे। तो ऐसी हमारी योजना है। शाम को बड़ी बैठक है और बड़ी बैठक में हम धरातल तक हम इसे सदन को लेकर जाएंगे। महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण की सुश्रिया साध्वी मंजू यशा के पावन सानिध्य में 13 पंच सभा द्वार परिवार संवाद प्रतियोगिता का आयोजन सभा भवन नाथद्वारा में हुआ और इस प्रतियोगिता में गुरुजनों का आदर और सम्मान करना प्रमुख संदेश भी रहा। वहीं दहेज एक अभिशाप का संदेश भी नाटक के माध्यम से दिया गया। आखिर में बेटी बचाओ नाटक के माध्यम से नारी शक्ति को अत्याचार मुक्त करने का भी संदेश दिया गया। राजसमंद से प्रमोद जोशी की रिपोर्ट। अयोध्या प्रभु श्री राम के मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले आनंद पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर स्वामी बालकनंद गिरी जी महाराज ने कहा कि सनातन धर्म बहुत ही विराट है और सनातन धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या पूरे विश्व में फैली हुई है। वहीं कुछ लोग उपद्रवी किस्म के हैं जिनका काम ही सनातन में कमियां ढूंढने का है, जो सिर्फ अपनी पहचान बनाने के लिए इस तरह का काम करते हैं। इससे पहले की बात करें तो आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी बालकनंद गिरी जी महाराज सड़क मार्ग से जयपुर से इंदौर जाते समय इनानी परिवार की ओर से चित्रकूट धाम में किए गए सम्मान के अवसर पर अल्प प्रवास के लिए रुके, जहां पर उनका बड़ी संख्या में परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों ने माल्यार्पण कर स्वागत भी किया। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। आज को मानने वाले या जानने वाले या उस पे कार्य करने वाले कुछ लोग हैं, जो वो लोग हमारे सनातन तो विराट हैं, उस सनातन धर्म से तो पूरा संसार जुड़ा हुआ है। समस्त सनातन का मतलब है जो प्राचीन परंपरा से परंपरा चली आ रही है। तो जो कुछ लोग हैं उपद्रवी, जो कुछ सनातन में कुछ कमियाँ ढूंढते हुए अपने आप को पहचान बनाने के लिए ऐसा कृत्य करते हैं, परंतु हम लोग तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं भगवान उनको भी संतुष्टि दे और वो सनातन के संस्कारों को मानते हुए हमारे देश में रहें और देश की परंपराओं का ध्यान रखते हुए परंपराओं को माने। मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि देखो, शिक्षा से व्यक्ति को विवेक जागृत होता है और जब व्यक्ति को विवेक जागृत होता है तब उसको अपने अस्तित्व और व्यक्तित्व की पहचान होती है, तभी वो ईश्वरीय शक्तियों को पहचान सकता है और जिसको विवेक होगा वो समाज की सेवा कर सकता है, देश की सेवा कर सकता है। तो बेटियों को जो पढ़ाई के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया। तो बेटियों की रक्षा करना देश की उन्नति, देश को आगे ले जाने के लिए बेटियों का बहुत बड़ा योगदान है। और बेटी अगर शिक्षित होगी तो परिवार में आने वाली नई जनरेशन भी हमारी शिक्षित होगी, इसलिए बेटी पढ़ाओ ये आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया हुआ है और उसको हम पूरा कार्य कर रहे हैं। और रही बात जो गरीब बच्चे हैं उनको शिक्षा देने की, तो मैंने डॉक्टरी पे बहुत बड़ा काम किया है, काफ़ी बच्चों को डॉक्टर बनाया है, क्योंकि आने वाले समय में और वर्तमान में स्वास्थ्य के प्रति ध्यान देना अति आवश्यक है। यदि हम स्वस्थ हैं तभी हम देश का निर्माण कर सकते हैं और परिवार का निर्माण कर सकते हैं। तो स्वास्थ्य के लिए हमने डॉक्टरी पर काम करना प्रारंभ किया। ये देश के लिए और सनातन के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारा देश हिंदुओं का है और हिंदुस्तान इसका नाम है, तो हिंदुओं की आस्था का केंद्र है भगवान श्री राम। और भगवान श्री राम समस्त, अगर हम भारतवर्ष के साथ साथ कहें समस्त सृष्टि को जो संचालन करने वाली शक्ति है उसको हम लोग राम मानते हैं।
तो राम कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, राम समस्त सृष्टि को ऊर्जा देने वाली शक्ति का नाम है। तो राम मंदिर बना ये पूरी सृष्टि के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा हम लोग देखते हैं। और हम लोग राम के आचरण को फॉलो करते हुए समस्त भारतवर्ष के हिंदुओं को और जो राम को मानने वाले व्यक्ति हैं, सनातनी हैं, उन सबको ये कहना चाहेंगे, इस प्रकार भगवान श्री राम ने धर्म की रक्षा की, अधर्म का नाश किया, उसी प्रकार अपने परिवार में सनातन धर्म के आचरणों का पालन करते हुए, संस्कारों का पालन करते हुए राम की प्रेरणा से अपने। रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी की अध्यक्षता में ग्राम पंचायत 6 JKM में रात्रि चौपाल कार्यक्रम के तहत जन सुनवाई कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में कुल 12 परिवाद प्राप्त हुए, सबसे ज्यादा 8 परिवाद तहसील कार्यालय से संबंधित प्राप्त हुए। SDM ने संबंधित विभागों के कार्यालय अध्यक्षों को 7 दिवस में निस्तारण करने के निर्देश दिए। जन सुनवाई में तहसीलदार हर्षिता मीढ़ा सहित अन्य विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहे। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। पलसाना कस्बे में कई महीनों से फैल रही गंदगी से बीमारियां फैलने के खतरे को देखते हुए BCMO नितेश कुमार शर्मा के निर्देशन में सोमवार को जगह जगह फैली गंदगियों का ऑनलाइन अपडेट करवाकर पंचायती राज विभाग से संबंधित स्थापित करते हुए ऑनलाइन पत्राचार किया गया। आपको बता दें कि BCMO शर्मा ने बताया कि पलसाना कस्बे में कई महीनों से सार्वजनिक स्थानों व मुख्य मार्गों पर गंदगियों के ढेर लगे हुए हैं, नालियां भरी हुई हैं और सड़कों पर पानी भी बह रहा है। समस्या के निस्तारण के लिए विभाग ने ऑनलाइन पत्राचार भी जारी किया है। पलसाना से रविकांत की रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना।